हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आपका बच्चा एक साल का हो गया है तो उसे हमें क्या खाना देना है, क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है, एक साल के बच्चों के ऊपर हेल्दी फूड क्या होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसे किस तरह से हम खाना खिलाएंगे। तो बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बातें होने वाली है, कंप्लीट जनरल गाइडलाइन है एक साल के ऊपर के बच्चों के लिए, तो आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। देखिए, जैसे बच्चा एक साल क्रॉस कर जाता है ना, तो उसके फिजिकल डिमांड बढ़ने लगती है, मतलब कि उसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, उसकी हाइट ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में दूध उसको कंप्लीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। तो जो पहला काम आपको करना है, दूध के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है और सॉलिड फूड के ऊपर और ज्यादा बढ़ानी है। हालांकि बच्चा 6 महीने से खाना शुरू कर देता है कुछ कुछ सॉलिड फूड, लेकिन 1 साल के ऊपर वो ऐसी चीजें भी खा सकता है जो उसने पहले नहीं खाई थी। जैसे 1 साल के ऊपर का बच्चा फिश ले सकता है, वो एग ले सकता है, वो काउ मिल्क ले सकता है और वो ज्यादा वेराइटी फिंगर फूड्स ले सकता है, ज्यादा टेक्सचर के फूड ले सकता है, उसके एक या दो दांत भी आना चालू हो गए हैं। तो इसलिए 1 साल एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है उसके फूड जर्नी का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या नहीं देना है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या नहीं देना है 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए। तो देखिए, फ्रूट जूसेस बिल्कुल नो है। आप फ्रूट दीजिए लेकिन फ्रूट जूसेस मत दीजिए। दूसरा, एडेड शुगर, मतलब कि कोई भी चीज़ में चीनी ऐड करके उसको खिलाना या पिलाना, ये चीज़ आप मत कीजिए। बहुत ज़्यादा सॉल्ट मत दीजिए। आउटर फूड, मतलब कि जैसे कि बिस्किट्स हो गए या चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सारी चीज़ें आप मत दीजिए। आर्टिफिशियल फूड को कम से कम रखिए, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें आदत लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इस उम्र में आप बच्चे को जैसा खाना खिलाएंगे वो बड़े होकर भी वैसा ही खाना पसंद करता है। तो इसीलिए इस तरह की चीजों से आप उसे दूर रखिए, ताकि उसकी एक हेल्दी आदत हो, एक अच्छी आदत हो। इसके अलावा उसको स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ ना दे, पीनट्स या ऐसे कोई चीज़ ना दे जो गले में अटक सके, क्योंकि ऐसे बच्चों में अभी च्यूइंग बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है, उनको च्यू करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन होता है जॉ मूवमेंट का वो भी बराबर नहीं होता है। इसीलिए आप पीनट या छोटी चॉकलेट इस तरह की चीज़ अगर देते हैं तो उसे अटकने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। बच्चे को कभी कभी फोर्सफुली खिलाने से, जैसे कुछ लोग गुस्से में बहुत जल्दी खिला देते हैं, उसको बहुत तेज खिलाते हैं, या फिर बहुत चम्मच में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भरकर खिलाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी बच्चे को चोकिंग हैजर्ड यानी गले में अटकने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया कि हमें क्या नहीं खिलाना है, अब क्या खिलाना है उस पर आते हैं। तो देखिए, छोटे बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक साथ उन्हें बहुत सारा खाना मत दीजिए। जैसे हम दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खा पाते, इसलिए इन बच्चों में फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ाने की ज़रूरत होती है। बच्चों को 4 से 5 बार आप मील दीजिए, छोटी छोटी क्वान्टिटी में मील दीजिए, उनको मील के साथ खेलने दीजिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो बच्चे फूड प्ले करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं, उसके टेक्स्चर को फील करते हैं, उसको स्मेल करते हैं, तब वो फूड को अंडरस्टैंड करते हैं और तब उन्हें फूड पसंद आता है। अचानक से कोई भी चीज उनके मुंह में डाल देंगे तो वो बिल्कुल नहीं खाएंगे और रिजेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है पॉट फीडिंग, मतलब आप अपने साथ अगर बच्चे को बैठा कर खिलाएंगे तो बच्चा जल्दी खाना सीखेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मेरी मम्मी या मेरे पापा जो खा रहे हैं, मतलब वो चीज अच्छी होगी, तो ऐसे में बच्चे का रिसेप्शन ज्यादा होता है। आप को पेशेंस भी बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आम तौर पर एक बच्चा एक फूड को 15 से 20 बार रिजेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसे सूजी दी है तो वो आज रिजेक्ट करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, 15 से 20 बार उसको रिजेक्ट करेगा। उसके बाद उसका धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, उसके साथ जब वो खेलेगा तब वो उसको खाना शुरू करेगा। तो इसीलिए आपको पेशेंस बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी आप 2 न्यू फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बीच में 1 से 2 वीक का गैप रखिए। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वरना बच्चे का माइंड कंफ्यूज हो जाता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खिचड़ी के साथ दलिया दे रहे हैं, तो खिचड़ी आपने इस वीक इंट्रोड्यूस की है, तो दलिया आप 1 से 2 वीक बाद इंट्रोड्यूस कीजिए, एक साथ मत कीजिए।
अब मैं आपको बताती हूँ एक सैंपल डाइट चार्ट जो 1 साल से लेके 2 साल के बच्चों के लिए है और जो एक बहुत ही हेल्दी डाइट चार्ट है जिससे बच्चे की कभी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो मॉर्निंग में आप उसे इडली दे सकते हैं, डोसा दे सकते हैं, अप्पम दे सकते हैं, ढोकला दे सकते हैं, इसके अलावा पूरी सब्जी भी दे सकते हैं। हर दिन आप बदल बदल कर दीजिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके, तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आते हैं स्नैक टाइम में। स्नैक टाइम करीब 11 बजे के बीच का समय होता है, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का समय। तो इस समय आप उसे एक फ्रूट दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का बच्चा है तो आप उसे हाफ बनाना दे सकते हैं या फिर एग की कोई डिश दे सकते हैं या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट दे सकते हैं। फ्रूट देने के समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो अभी आप फ्रूट दे रहे हैं उसके सीड्स अच्छे से निकाल लिए गए हों और वो फ्रूट सेफ हो। फ्रूट जूसेस आप अवॉइड कीजिए जैसे मैंने पहले बताया है। फिर आते हैं हम लंच टाइम पर। लंच टाइम में आप बच्चे को या तो दाल चावल दे सकते हैं, या तो चपाती दाल दे सकते हैं, रसम राइस दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इंट्रोड्यूस करना है एटलीस्ट हाफ कटोरी वेजिटेबल। वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चा उतने जल्दी रिसेप्टिव होगा, उतने जल्दी वेजिटेबल खाना सीखेगा। जिन बच्चों को 1 से 2 साल के बीच में वेजिटेबल नहीं दिया जाता है, ये देखने को मिलता है कि बाद में आगे चलकर वो सब्जियों को नापसंद करते हैं, उनको नहीं खाते हैं, उनका टेक्सचर उनके लिए सही नहीं बैठता है, उनको हमेशा दाल चावल जैसी मशी मशी चीज़ें खाने की आदत होती है, वो सब्जियों को रिजेक्ट करने लगते हैं। तो इसीलिए ये राइट टाइम होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए वेजिटेबल्स। तो आप अच्छे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए। साथ में आप अगर नॉनवेज है तो बच्चे को फिश या फिर एग भी दे सकते हैं। अब आते हैं हम 4 PM स्नैक पर। 4 PM स्नैक पर आपको या तो आप फ्रूट्स दे सकते हैं, या तो फिर आप दाल या रोटी दे सकते हैं, या फिर आप अगेन इडली वगैरह दे सकते हैं। नाइट टाइम में आपको सेम चपाती देनी है, चपाती विद दाल या फिर राइस विद दाल या फिर रसम विद दाल, और वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करना है। नाइट टाइम में आप नॉनवेज अवॉइड कर सकते हैं और रात में सोने के पहले आप उसे दूध दीजिए, लेकिन दूध में आपको शक्कर डालने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा एपेटाइजर क्या होता है। तो देखिए, बच्चे के लिए सबसे अच्छा एपेटाइजर होता है वैरायटी ऑफ फूड। जब भी आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप टीवी के सामने ना खिलाइए, बल्कि उसको खिलौने के साथ बैठाइए। बच्चा खिलौने से खेलता रहेगा तब आप उसे खिलाइए, या फिर आप उसे स्टोरी वगैरह कुछ बताइए और तब आप उसे खिलाइए। तो ये थी सारी टेक्निक्स। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं, बच्चों को चाय और बिस्किट देना, तो चाय और बिस्किट आप बिल्कुल भी मत दीजिए। तो मुझे उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेकर हम आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।